हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस क्वेश्चंस एएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी के। ये 11 मार्च 2022 को शिफ्ट का टाइमिंग 3:30 से 5:30 था। बेसिकली एएमडी का हम लोगों को कुछ ना सिलेबस मिला था इनकी वेबसाइट पे, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर मिले थे। तो ये मैं मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है मैं वो बताऊँगा। ऑप्शन मेरे को नहीं याद थे हालाँकि इतने, तो क्वेश्चन मेरे को जो याद थे एग्जैक्टली क्या क्या पूछा था वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो लेट्स सी, बेसिकली इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस सबसे पहले तो किया था कि मिनरलॉजी पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और इकोनॉमिक मिनरल्स पे, फिर उसके बाद इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी पे, इन सब ये तीन ब्रांच पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। वो तीन चार न्यूमेरिकल आए थे बेसिकली, और पेपर डूएबल था, टफ नहीं था इतना, कुछ क्वेश्चन ही टफ थे, बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही था। तो लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन आए थे पेपर में। जैसे कि मैंने बताया तीन चार न्यूमेरिकल आए थे, न्यूमेरिकल 3 से 4 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के। उसमें से एक क्वेश्चन जो मुझे याद है वो ये था, एक डिपिंग दी हुई थी बेड की 30 डिग्री, तो कुछ पूछ रहा था नॉर्थ 45 डिग्री ऑफ साउथ, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे जिन्हें कोई न्यूमेरिकल था। फिर दूसरा क्वेश्चन था, अगर हम एल्युमिनियम मस्कोवाइट का जो एल्युमिनियम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं Cu2+ आयन से, तो ऐसा कौन सा ग्रीन कलर का मिनरल बनेगा, उसका नाम पूछा था इसमें। तो यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन थे, ऑप्शन याद नहीं है हालांकि, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा न्यूमेरिकल एक ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 वैल्यू दी हुई हैं, तो इनकी वैल्यू निकालनी थी स्टैंडर्ड डेविएशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एम्फीवोलो पायरोक्सीन मिनरल है जो आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर में, उसका रेशियो पूछा था सिलिकन और ऑक्सीजन का। तो ये एक थे कुछ, रिफ्ट सबडक्शन जोन क्या देती है, एम टाइप, एस टाइप, आई टाइप, ए टाइप, ये ऑप्शन थे इसके बेसिकली। रेयर अर्थ मिनरल का एटॉमिक नंबर पूछा था कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कुछ ऑप्शन थे जहाँ पे। एक जी मैच द फॉलोइंग के 5 से 6 क्वेश्चन थे लगभग, इसके 5 से 6 टाइप के कुछ ने क्वेश्चन पूछा था इसमें, जिसमें कि जैसे क्रिस्टलोग्राफी उसके एंगल पूछ लिया था, और आपका जैसे कि कोई मिनरल है उसकी फॉर्म पूछ ली थी, और है उसका मिनरल पूछ लिया था, इस टाइप के इसने पूछा था, या इनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा था। मैथ दी फॉलोम में 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा सही है उसको निकालना था। तो ये इस टाइप का एक थे, 5 से 6 क्वेश्चन बेसिकली इसके थे मैथ दी फॉलोइंग के, तो जिनमें से एक मेरे को ये याद है ये था। एक ये था करेक्ट ऑर्डर, इसमें से बताना था कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, बैरिल और टूरमलिन उसके फॉर्म दिए थे कि किस में ये क्रिस्टलाइन होते हैं, बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन आइसोटोप टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो ये ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से। फिर एक ये था कैरिनेटो टेस्ट का क्वेश्चन आया था, हालांकि ये नाम मुझे गलत है, सी से ही कोई टेस्ट का नाम था जो कैर करके ही स्टार्ट था, वो बेसिकली मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्ट, तो कोई इस था, इस तरीके से था, वो भी हैवी मिनरल से ही रिलेटेड था, रेयर अर्थ एलिमेंट से, तो कौन सा टेस्ट होता है उस टाइप का था एक क्वेश्चन। फिर स्क्यूनेस उसने पूछा था कि क्या होता है, फिर सेस्मिक मेथड पूछा था किसके लिए यूज़फुल होता है,
लास्ट स्टेज ऑफ मैग्मा मिनरल क्रिस्टलाइन, उसका नेम पूछा था लास्ट स्टेज ऑफ मैग्मा का। ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी था, तो इसमें बेसिकली उसने ये पूछा था एडिकार्ना पीरियड जो होता है वो किसको कहते हैं, मतलब उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे मिलियन ईयर्स में ही दी हुई थी, उसकी एज पूछी थी। थ्योरेटिक बेसाल्ट को कैटेगराइज करना था बेसिकली, हाई है, लो है, मीडियम है, उसका कुछ दिया हुआ था यहाँ पे, उसके आगे कोई कंपोजिशन भी लिखा था, तो वो था। ट्राइलोबाइट एक्सटेंशन एज पूछा था। 50% ओलिवीन, 25% क्लाइनोपायरोक्सीन और 25% ऑर्थोपायरोक्सीन दिया, तो रॉक की नेम पूछी थी। एज ऑफ अर्थ मिलियन पूछा था, ए अर्थ की एज मिलियन ईयर्स में। ऑर्थोरॉम्बिक की इंडिसेस पूछी थी क्रिस्टल सिस्टम में, मतलब क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल सिमेट्री में बेसिकली। गोल्ड की डीपेस्ट माइनिंग पूछा था वर्ल्ड की, तो इसके जो नाम थे वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो कंट्री दी हुई थी वो मेरे को याद है, तो मैंने कंट्री लिख दी है। फिर माइंस के नेम नहीं याद है, तो ये था इस टाइप का एक क्वेश्चन था, यही था। पिरामिड और पिनाकॉइड का फॉर्म पूछा था, ओपन होता है, क्लोज होता है, या और भी दो ऑप्शन थे। करेक्ट सीक्वेंस पूछा था ऑक्सीडेशन सुपरजीन एनरिचमेंट का, तो सही ऑर्डर मैं बता देता हूँ। गोशान, लीच जोन, वाटर टेबल, ऑक्सीडाइज जोन, प्राइमरी जोन, ये ऑप्शन था, तो ये सही ऑर्डर है। इस तरीके से अनसिमेट्रिकल ऑर्डर पे दिया था, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना था। यूरेनियम का सेकेंडरी मिनरल पूछा था जो कि यूरेनाइट होता है। विल्सन ओरोजेनिक साइकिल किसके कारण होता है, तो वो पूछा था कन्वेक्शन, सबडक्शन, ट्रांसफॉर्म, और एक और ऑप्शन था। मेसोजोइक की एज पूछी थी। रिंग ऑफ फायर एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पे लोकेटेड है वो पूछा था, ये तीन ऑप्शन ही याद है मेरे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल एज कौन सी थी इनमें से, तो परमियन है। मुर्कवाडजाइट की एज पूछा था, ऑप्शन मेरे को याद नहीं है। केमिकल वेदरिंग अक्कर, केमिकल वेदरिंग किस रीजन में होती है, तो वो पूछा था कोल्ड, ड्राई, वेट, हॉट रीजन में किस में होती है। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज पूछा था इसके, किसको कैरेक्टराइज करता है क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फिर थिकेस्ट कोल फील्ड पूछा था कौन सी होती है, ये दो ही ऑप्शन याद हैं। एज ऑफ मैमल पूछा था एक क्वेश्चन। फिर एक ग्लेशियर से क्वेश्चन ये था कि ग्लेशियर से कौन से, मतलब इरोनल लैंडफॉर्म्स नहीं है ग्लेशियर का, इनमें से चार ऑप्शन में से एक कोई नहीं था, तो ये तीन ऑप्शन याद हैं, एक नहीं याद है। मैन मेड रिसोर्स ऑफ एनर्जी पूछा था, जो कि बेसिकली ये उससे क्वेश्चन था रिमोट सेंसिंग से, तो ये उसके हैं ऑप्शन ये। सॉरी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेसर डिपॉजिट इसमें से किन में से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल वेदर गिव्स फाइन क्ले मिनरल्स, कौन से मिनरल की वेदरिंग होने पे फाइन क्ले मिनरल हमको मिलेगा, ये ऑप्शन थे कुछ। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री पूछा था। सबडक्शन टाइप फेसेस पूछा था, तो बेसिकली जो ऑप्शन याद है वही लिखे हैं, बाकी छोड़ दिए मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल पूछा था, 2, 4, 8, 6 ऑप्शन थे इसके। थ्री टोड हॉर्स का कुछ एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, तो शायद नेम मेरे हिसाब से पूछ रहा था। क्लीवेज पूछा था क्वार्ट्स में होती है कि नहीं होती है। मैग्नेटिक वाटर जो प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एटमॉस्फेरिक रिलेशन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, तो एक ये क्वेश्चन था। टॉप मोस्ट पार्ट पूछा था इसमें से बायोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। हाईएस्ट प्रोटोजोइक बेसिन का एक क्वेश्चन था इसमें, वही लगभग अरावली
कड़प्पा बेसिन, विंध्यन बेसिन, धारवाड़, यही सारे ऑप्शन थे। तो उसमें से हाईएस्ट शायद बताना था, ऑप्शन में शायद थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। कौन सा फोर्ड दो लिम्स रखता है? फैन फोर्ड, बॉक्स फोर्ड, चेवरन फोर्ड, आइसोक्लाइनर फोर्ड। स्टडी ऑफ फॉसिल का था, किसको कहते हैं? वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ नेपलिन साइनाइड का क्वेश्चन था, किसको कहते हैं? अल्ट्रा बेसिक मिनरल कौन सा मिलता है अर्थ मिनरल में? कौन सी रिवर रिचार्ज करती है ग्राउंड वाटर टेबल को? तो ये दो ऑप्शन ही याद हैं, एफ्लुएंट, इन्फ्लुएंट और पता नहीं। सॉलिडस किसको रिफर करता है? बेसिकली इसके ऑप्शन इस तरीके से थे कि एक टेम्परेचर फिक्स है, उसके ऊपर या तो वो क्रिस्टल मेल्ट हो रहा था या तो फिर वो उसके बिलो में मेल्ट हो रहा था। तो इस तरीके से चार ऑप्शन थे, उसमें से इसको बताना था कि सॉलिडस कौन सा होगा। रिवर फ्लो डाउनवर्ड इन स्टीप स्लोप, देन व्हाट प्लेन इज क्रिएटेड? ब्रेडेड रिवर पॉइंट, बार प्लेनोपॉइड, पेनाइट। इस ये शायद ऑप्शन कुछ इस तरीके से था, इसमें डाउट है। बाकी ये तीन ऑप्शन तो सही हैं। एक डेटिंग ग्राउंड वाटर एज की डेटिंग पूछा था, किससे करते हैं? एज, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन रिफरेंस पूछा था कि जो हम लोग जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं वो बेसिकली किसके यूज़ में होता है? तो उस हिसाब से चार ऑप्शन थे। ऑफशोर बेसिन पूछा था कौन सा होता है। एम्फीबोलो पायरोक्सिन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलग कैसे ये डिफरेंट होते हैं? तो ये पूछा था शेप साइज क्लीवर जो हार्डनेस में। इन कॉम्पिटिशन रॉक पूछा था किससे रिलेटेड होती है? बेसिकली जो रॉक होती है जो मोबिलिटी हो शो करती हैं, तो उसको हम ये कहते हैं मोबिलिटी इन कॉम्पिटेंट रॉक। इससे ही एक इसका दूसरा जो कॉम्पिटेंट होता है उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मैथ फॉलम में। डैश इंक्लूड फ्लूड ऑफ मैग्मा मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्वेश्चन था। कन्वेक्शन, सबडक्शन, कंडक्शन, एक और कोई ऑप्शन था। ओशनिक वाटर मूव्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये क्वेश्चन था। मानसून कोरियोलिस इफेक्ट, एक शायद इसमें ELN करके कोई इफेक्ट था और एक और था। तो ये ऑप्शन थे इसके। फिर ओलिविन का अल्ट्रेशन मिनरल पूछा था कौन सा होता है, ये कुछ ऑप्शन थे, दो ही याद हैं। एक ये पूछा था कि सोडियम आयन और जो कॉपर का आयरन है वो सेम रेडियस और चार्ज रखते हैं बट दोनों साथ में नहीं यूज होते हैं। तो इस तरीके से कुछ था क्वेश्चन। तो उसमें पूछा था कि ये जो दो आयन है सोडियम आयन और कॉपर आयन, ये कौन से रूल से एक्सप्लेन होंगे? तो तीन रूल के ही नाम मुझे याद हैं, हुंड्स रूल, गोल्डस्मिथ रूल और शायद ये वुड्स करके एक रूल था। ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन वुड्स करके एक कोई रूल का नाम था, एक और था तो वो था। हॉर्स्ट और ग्रेवन किस फॉल से बनता है? नॉर्मल, रिवर्स और ये सब था। फॉल्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट इन सेम डायरेक्शन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्वेश्चन था। विच मिनरल इस प्लेसर डिपॉजिट, कौन सा मिनरल प्लेसर डिपॉजिट होता है? मेटेलिक मिनरल, यूरेनियम, थोरियम। तो इनमें से बताना था, एक और शायद ऑप्शन था कोई। और गोसान और जो कायप रॉक होती है वो किसका गुड इंडिकेटर होती है? तो ये ऑप्शन में से बताना था। प्लूटोनिक रॉक का ग्रेन साइज पूछा था। बेसिकली ये प्लूटोनिक रॉक जो होती है वो कोर्स ग्रेन रॉक होती है, लेकिन यहाँ पे कोर्स ग्रेन था नहीं, तो इस हिसाब से इसमें बताना था आंसर। एक मेटामॉर्फिक रॉक का यहाँ पे उस मिनरल का नाम दिया हुआ था, उससे उसने इंडेक्स मिनरल पूछा था कि कौन सा उसका इंडेक्स मिनरल का नेम होगा। तो ये दो ऑप्शन याद हैं, दो मेरे को याद नहीं। ब्लेडेड फॉर्म पूछा था कौन सा मिनरल होता है, तो काइनाइट ही होता है। बाकी दो तीन चार ऑप्शन थे जो नाम मेरे को नहीं याद। फाइन ग्रेन रॉक
रिप्रेजेंट होती है अर्थ मैग्मा में, वो कौन सी होती हैं, तो वो बताना था इनमें से। ओर ऑफ एल्युमिनियम पूछा था कौन सा था, तो तीन चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ओर का एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम का ओर के मिनरल रखा हुआ था वो बताना था। डायमंड कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो दोनों पन्ना एमपी में भी पाया जाता है, एक और इसकी वो थी तो आंध्र प्रदेश का था, बेसिकली उसका नाम नहीं याद है मेरे को। तो ये क्वेश्चन था। और सेंटर टू सरफेस का अर्थ डिवीजन डिवाइडिंग सीक्वेंस पूछा था, सेंटर टू सरफेस, तो ये करेक्ट वाला मैंने लिख दिया है, यही का अनसिमेट्रिकल ऑर्डर था। डायमंड किस में अकर करता है, तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। कौन सा स्ट्रेटा लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, तो वो बताना था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग वन फेस, कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसका एक फेस होता है उसको हम क्या कहते हैं। बेसिक यहाँ कुछ ऑप्शन थे जो याद है मेरे को, ऑप्शन वो लिख दिए हैं, वो बताना था कौन सा होता है। इतने ही मेरे को बेसिकली याद थे, लगभग मैंने 100 में से 80 क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं मेमोरी बेस। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में।